अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। इससे पहले हमने करंट और कन्वेंशनल करंट के बारे में डिस्कस किया था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चार्जेस के फ्लो करने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हों या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हों या आयंस हों। अब उनकी एक एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। मेटल्स में जो करंट फ्लो करता है, जो करंट पास करता है, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करता है। न्यूक्लियर एक्सेलरेटर में जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स के फ्लो करने की वजह से करता है। और इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है उसमें कैथोड और एनोड के प्लेट्स रख के उसमें आयंस की वजह से, यानी पॉजिटिव आयन फ्लो करता है कैथोड की तरफ और नेगेटिव आयन फ्लो करता है एनोड की तरफ, उसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है वो आयंस के फ्लो करने की वजह से हो रहा होता है। इसी तरह गैसेस में जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो आयंस की वजह से भी हो रहा होता है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें शामिल होते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मेटल्स में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको डिस्कस करना है। हमें मेटल्स में फ्लो ऑफ करंट को हमने डिस्कस करना है। उसके लिए आप जरा अगर गौर करें तो यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया शो किया हुआ एक मेटल का, उसमें क्या मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनकी फर्स्ट मोशन कौन सी मोशन है, उनके रैंडम मोशन है, वो लेफ्ट राइट दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर रहे हैं, कोई लेफ्ट मूव कर रहा है, कोई राइट मूव कर रहा है, कोई ऊपर कोई नीचे, जिसकी वजह से जैसा कि मैंने पिछले आर्टिकल्स में बताया था नंबर ऑफ कोलिजंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। वो कभी आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कभी डिफरेंट आइटम्स जो साथ नियर बाय रखे हैं जिनकी पोजिशन है उनके साथ टकराते रहते हैं और उनकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी मोशन के बावजूद इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें फील नहीं होता, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम क्या करें, कोई ईएमएफ सोर्स, कोई बैटरी इसके साथ कनेक्ट कर दें, तो वो क्या होता है, वो बैटरी इनफैक्ट एनर्जी देती है उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कि वो लीनियरली मूव कर सके। और कन्वेंशनल करंट में हमने पढ़ा हुआ है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं। वैसे ओरिजिनली क्या होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन्होंने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना है, लेकिन हमने कन्वेंशनल करंट के मुताबिक इसकी डायरेक्शन किधर से किधर रखनी है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ही तरफ रखनी है। तो वो उनकी जो रैंडम मोशन है वो कन्वर्ट हो जाती है स्लो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में, और उस स्लो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। उस स्लो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को स्टूडेंट्स हम क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 10^-3 मीटर पर सेकेंड, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। इतनी वेलोसिटी से, इतनी स्लो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, यानी कन्वेंशनल करंट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम एक्सपीरियंस कर देते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर लगा दें उसके साथ तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। इसका मतलब क्या है कि उसमें से करंट पास कर रहा है, और अगर ये दोनों चीजें, दोनों में से कोई एक चीज ना हो तो फिर चार्जेस तो मूव करेंगे मेटल्स में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, लेकिन इफेक्टिव करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।